हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज है 6 तारीख। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर मेरा करंट अफेयर का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, मैं बता दूँ कल क्या था। आपको पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून, यानी कि पर्यावरण है हम सब की जान, इसलिए करो इसका सम्मान। एक पेड़ जो होता है 100 पुत्र के समान होता है। चलिए आइए और अच्छा करंट अफेयर शुरू करती हूँ। अब बेवा फूड जो खाने के लिए आइटम्स के लिए होता है, अपने नए ब्रांड वी नरिश के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये सलमान खान जिसे कि है नियुक्त किया गया है। और अगर आप बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सलमान खान है। और फोन पे के कौन है, तो आमिर खान है। दोस्तों, जैसे ही आए ब्रांड एम्बेसडर की बात, आप लोग जो है सो को रिलेट करके उसको याद कर लीजिए ताकि आपको आपके पास जो है सो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। और दोस्तों, आपको बता दूँ शाहरुख खान मुझे बता सकते हैं कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि ये सभी न किसी के ब्रांड एम्बेसडर में ब्रांड एम्बेसडर को, तो बताइए मुझे कि ये कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ फिर से ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर मैंने अभी आपको बताया है कि आमिर खान। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर कौन है, तो वो गौरी सावंत है दोस्तों। और ड्रीम इलेवन महेंद्र सिंह धोनी, MPL विराट कोहली है। अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, यातायात एवं सड़क सुरक्षा के ये कहाँ के हैं, यातायात एवं सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, और ये फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ऑर्चिडेरियम किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों, यह मणिपुर में खोला गया है। बात आई है मणिपुर की, मणिपुर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये गलत से लिखा गया है, मणिपुर नहीं, इसका आंसर मेघालय होगा। इसलिए आपको अपने PDF में ये कट कर लीजिएगा, इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में खोला गया है ये। और मैं आपको बता दूं कि मेघालय के CM कौन है, तो कोनराड संगमा है। ठीक है दोस्तों, और मेघालय में ये ऑर्चिडियम खोला गया है, तो आपको मन में ये भी क्लिक कर देना चाहिए क्या कि पहला मकरालय कहाँ खोला गया है भारत का, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हो कि सेटिस्फाइड आप हो गए होंगे। किसे 2020 से 2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ यानी कि WHO का मुख्यालय, बात आई तो कर दो, जेनेवा में है, वार्षिक जेनेवा में। ठीक है, का ब्राह्मण लेखा परीक्षक चुना गया, तो राजीव महर्षि को जो है सो क्या है, यानी कि ये पहले कैक के भी अध्यक्ष है राजीव महर्षि, उन्हें ही चुना गया। वैश्विक स्त्री पुरुष समानता सूचकांक में भारत कौन सा पायदान पर रहा, तो उन्हें ये 95। आपके मन में हो रही कि पहला नंबर पे कौन रहा है, तो दोस्तों पहला नंबर पे रहा है डेनमार्क, जो सबसे लगता है कि सबसे भ्रष्ट देश था वो रहा है डेनमार्क। और सबसे लास्ट नंबर पे रहा है अफ्रीका का एक चैंड करके है, वो है 129वें नंबर। हाल ही में सेना ने फोर्ट विलियम में एक CAA QMS मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एबिडियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC सऊदी अरब ने यूसुफ ऑल्डो बॉय किस भारतीय राज्य के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर की बात आई है, सबसे पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में ही खुल रहा है। और जम्मू कश्मीर की आपको दर्रे पता होगा, तो जो जिला दर्रा, पनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये वहाँ पे काराकोरम, बुर्जिल, ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर के दर्रों के नाम है। डंग बीटल एक नई प्रजाति है इनोफ्लोटियस ट्वेंगिस का साइंटिफिक नेम है, हाल ही में किस राज्य में पाया गया है, तो यह हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कुछ हुआ है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में एक डिफो पुल बना है, जिसका जो सो डिफो पुल, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफो पुल बना है। ठीक है दोस्तों, और सैला सुरंग ये भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश के कौन से, और अरुणाचल प्रदेश से को जोड़ती है किससे, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और DD अरुण प्रभा वहाँ पे एक दूरदर्शन नाम का चैनल बना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, FTINA की फिल्म
ट्रेड इंटरनेशनल का भी जो है सो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कहाँ बना है तो पापम पारे में बना है, और तीसरा बना है ये भारत का, और पहला और दूसरा आपके मन में आ रहा होगा, तो पहला पुणे में है और दूसरा कोलकाता में है। किसे भारतीय जन संचार IIMC के महानिदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, तो KS धतवालिया को इसका जो है सो सौंपा गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिवस कब मनाया गया, तो ये 4 जून को मनाया गया, अग्रेशन डे, यानी कि बहुत ही लोग कुछ बहुत अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक व्यवहार के लिए मनाया जाता है। तियामेनन चौक, तियाना नमेन चौक पर सेना द्वारा निहत्ते नागरिकों की नरसंहार की 30वीं बरसी किस देश में मनाई गई, तो चीन में मनाई गई है। हाल ही में किसे अमेरिका के पद्म श्री सम्मान सौंपा गया, तो सुभाष कॉक को पद्म श्री सम्मान जो है सो सौंपा गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा दुनिया के पहले अरबपति रैपर का खिताब किसे गया, तो जय जेड को दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के जो है सो पुस्तक के लेखक कौन है, तो आशीष। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी बटरफ्लाई बनिया, किसकी पुस्तक है, तो नैन तारा की सहगल की पुस्तक है। चलिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। दोस्तों ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं तो इस बार का थीम क्या था, बीट एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इसका, और पर्यावरण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर है। और पर्यावरण कब से मनाया जाता है, तो 1974 से। देखिए आपके स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहे हैं, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, आपको जो है सो ये मतलब कि डेली डेली आपके स्टैटिक्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, अभी इनको नया, और ये कहाँ से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि किस चांदनी चौक के, दिल्ली के चांदनी चौक से है। आज दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग फैक्ट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने OBC के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है दोस्तों, और स्वच्छ भारत में आपको ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है, तो स्वच्छ भारत अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार है। और ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैरी कॉम है। और पुमा BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये भी मैरी कॉम ही है। चलिए दोस्तों, और मैं आपको कुछ और राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर बता देती हूँ। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है AR रहमान खान, त्रिपुरा की है दीपा कर्माकर जो वहीं की हैं, असम की है स्पोर्ट्स की, असम स्पोर्ट्स, असम पर्यटन नहीं, असम स्पोर्ट्स की जो है सो ब्रांड एम्बेसडर है हीमा दास, असम पर्यटन की जो ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी, और आंध्र प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपको अजय देवगन और काजोल उनकी जो वाइफ है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड कर पाई हूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन आज का मंगलमय हो।